हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्क्रीन लैपटॉप पीसी की स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो किसी भी एरिया को। तो फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो, सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसके अंदर ZWMIT टाइप करना है। जैसे ही आप जोमिट टाइप करोगे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद जोमिट का ओपन न्यू पेज ओपन होगा, उसके अंदर आपको जोमेट विंडोज विथ माइक्रोसॉफ्ट डॉक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे न्यू पेज ओपन होगा वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स 500 KB से कम की फाइल है तो आपको इसको डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको डाउनलोड मोड में जाके इस फाइल को ओपन करना है और साथ ही इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल ओपन होगी। तो फ्रेंड्स ये फाइल डायरेक्ट ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जूम, लाइव जूम, ड्रॉ, टाइप और ब्रेक। यहाँ पे आपको सबसे पहले जूम में यहाँ Ctrl+Z सेट करना है और फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको आप देखोगे कि आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के जहाँ आप एरो को जिस साइड में लेके जाओगे वहाँ आपको जूम करना है Ctrl+Z टाइप करके। इस तरह फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा लाइव जूम क्या होता है। लाइव जूम में सबसे पहले आपको फाइल के अंदर जाना है, जूमिट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लाइव जूम में जाना है। यहाँ पे आप Ctrl+L या कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे वो सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्रोम के अंदर जाना है। क्रोम में जाने के बाद अब मैं दिखाऊँगा कि लाइव जूम कैसे होता है। लाइव जूम में आपको Ctrl+L टाइप करना है। उसके बाद आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ साथ साथ आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। यह सबसे बड़ा फ़ायदा है लाइव जूम में, इसलिए अपने जो भी व्यूअर होंगे उनको सब कुछ क्लियरली नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स ये लाइव जूम सबसे अच्छी ट्रिक है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स इस फाइल में ड्रॉ का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद Ctrl+D सेलेक्ट करना है या आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ड्रॉ के अंदर आप रेक्टेंगल बना सकते हो, सर्किल बना सकते हो या एरो बना सकते हो या लाइन क्लिक कर सकते हो या साथ ही लाइव आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो वो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रेक का, यहाँ आप Ctrl+B सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मिनट भी कम कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो ये आपको ब्रेक लेना हो तो ब्रेक ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल, एरो, सर्किल आप कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्रोम के अंदर जाना है, जहाँ भी आपको एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको Ctrl+D सेलेक्ट करना है। Ctrl+D सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+D सेलेक्ट करके आपको पहले ड्राइंग मोड में आना है। उसके बाद आपको आपको लाइन बनानी है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके माउस से लाइन बनानी है। तो फ्रेंड्स आपको अगर रेक्टेंगल बनाना है तो आपको सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल दबाने के बाद आपको माउस से क्लिक करना है तो रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर आपको सर्किल बनाना है तो आपको टैब दबाना है। टैब दबा के आपको माउस से सर्किल बनाना है तो माउस से सर्किल बन जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कहीं एरो बनाना है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए तो सबसे पहले आपको Ctrl+Shift को दबाना है, साथ ही माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको एरो दिखाई देगा, एरो बन जाएगा जिस प्रकार मैंने ये बनाया है। इस तरह फ्रेंड्स आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। अब मैं आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना बताऊंगा। Ctrl+D सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको R दबाना है। अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो B दबाना है। अगर आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो O दबाना है। अगर आपको पिंक कलर चाहिए तो आपको पिंक क्लिक करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको लाइव स्क्रीन पर टाइप करना है तो सबसे पहले आपको Ctrl+D दबाना है। उसके बाद आपको Ctrl+T दबाना है। टी दबाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको अपना नेम, टेक्स्ट जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने सब्सक्राइब नेम टाइप किया है। इसके साथ ही आपको जब आप ऑनलाइन प्रोजेक्टर वर्क कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना है तो सबसे पहले आपको Ctrl+B दबाना है।
बी दबाने के बाद आपको ये टाइम दिखाई देगा, जैसे मैंने दे 4 मिनट सेव कर रखे थे। इसके साथ ही जैसे ही आप कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो आपको टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूबर हो तो ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप वीडियो बनाते हो तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही प्रेस बेल आइकॉन, जिससे मेरा जो भी न्यू वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।